दोस्तों YouTube में सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आएगा। सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी मेरा वीडियो देखना है तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखिएगा जो कि अच्छी तरह से समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको बताएंगे वी गार्ड व्यू 400 स्टेबलाइजर का ट्रांसफार्मर का डाटा। और दोस्तों मेरे चैनल पर नए आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड आप देख रहे हैं ये वी गार्ड की स्टेबलाइजर है व्यू 400, यानी कि हम लोग इसको 4KB मानते हैं। ये 4KB का स्टेबलाइजर है जिसकी ट्रांसफार्मर जल गई है और ट्रांसफार्मर को हम लोग खोल के इसकी वाइंडिंग का कैलकुलेशन करेंगे। ये कितनी कंपनी इसमें कितनी लेपती है, कितनी वोल्टेज पे, उस हिसाब से तो खोलेंगे। बाहर जो देख रहे हैं आप ये ट्रांसफार्मर का, इसमें लिखा हुआ व्यू 400 प्लस 2015 का है ये। और ये जो वाइंडिंग देख रहे हैं ये है ट्रांसफार्मर को ट्रिगर के लिए, यानी कि ट्रांसफार्मर को सप्लाई के लिए, जिसके हम लोग LTB कहते हैं, LT सप्लाई के लिए। सर्किट बोर्ड में यहाँ सप्लाई जाता है, इसमें दो सप्लाई बनाया गया है, एक है 10 वोल्ट के लिए, एक है आपका 27 वोल्ट के लिए। यहाँ से दो सप्लाई निकले हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जितने इसमें पेपर लगे हुए हैं पेपर को खोल लेंगे। खोलने के बाद में तार एक एक करके काउंट करेंगे, हम लोग काउंट करके निकालेंगे तार। जो तार देख रहे हैं आप, इसमें ये एल्युमिनियम की वायर है जो कि 14 नंबर की तार है, ये एल्युमिनियम की, इसको हम लोग निकालेंगे। ये 4KVA की स्टेबलाइजर है और एक एक काउंट करेंगे, कितना हम लोग काउंट कर रहे हैं उसको मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। पहले इसको एक एक करके मैं खोल लूँ, ठीक है। खोलने के बाद मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि कितना ये टर्न्स लपेटना है, क्योंकि ये तार जो कि जल गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी जला हुआ है उसको हम लोग डाटा निकाल लेंगे कि फ्यूचर में काम आएगा। हम लोग इस हिसाब से ट्रांसफार्मर बैंडिंग कर सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग खोलेंगे। देखिए इसको खोलने में भी थोड़ा तकलीफ है, लेकिन फिर भी खोलेंगे, हम लोग काउंट करेंगे क्योंकि इसका डाटा निकालना है हम लोगों को। तो डाटा निकालने के बाद में मैं आपको बताऊँगा कि ये कितने टर्न्स है और कितने वोल्टेज पर निकले हुए हैं और इसकी जो कोर है, कोर की साइज क्या है, फिर मैं पूरा डिटेल्स बताऊँगा आपको इस वीडियो में। तो पहले हम लोग एक करके खोल लेते हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं हैं, इसको निकालने के बाद करते हैं हम लोग इसको लंबे करके। फिर देखिए निकाल दिए हमने पूरा, ये रिंग रह गया ये। अब मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ इसका कितना मैंने निकाला है। दोस्तों अब मैंने पूरा इसकी वाइंडिंग जितना था, टर्न्स जितना था, मैंने कंप्लीट कर ली, नोट कर ली। इसकी जो है कि 23 नंबर की तार जो कि सर्किट में जाती है वो है 0 से 18 टर्न्स है। और उसके बाद फिर हम लोग काउंट करेंगे 0 से 28 टर्न, यानी कि इसमें दो लूप निकले हुए हैं, एक सर्किट में जाती है और एक आप रिले को वर्किंग कराने के लिए होता है इसमें। और उसके बाद में न्यूट्रल के लिए 0 टर्न्स है। उसके बाद में देखिए 165 टर्न्स लेपटा हुआ है जो रिले जाती है। और उसके बाद में फिर 0 से 72 टर्न्स लेपटा हुआ है। और उसके बाद फिर देखिए 0 से फिर 47 टर्न्स लेपटा गया है। और उसके बाद फिर 0 से 52 टर्न्स लेपटा गया है। दोस्तों ये हम लोग जो इसको लपेटना है ये उसको 0 से करके लपेटना है, ये प्लस करते हुए नहीं जाना है, ये सब अलग अलग है। तो दोस्तों इसी तरह इसको लपेटना है। और दोस्तों चलते इसमें और डिटेल्स में मैं बताता हूँ उसको। दोस्तों मैंने इसका पूरा कैलकुलेशन किया, कैलकुलेशन देख रहे हैं आप। इसमें 0 से 18 टर्न्स लपेटना है, 23 नंबर का तार रहेगा। और उसके बाद फिर उसमें प्लस करते हुए 46 टर्न लपेटना है, यानी कि 46 टर्न रहेगा 23 नंबर का तार से। और उसके बाद में जो रिले में कनेक्शन होता है 98 वोल्ट देख रहे हैं, पहला जो कि 90 वोल्ट से नहीं लिया हुआ गया है, ये 98 वोल्ट पे लिया गया। 165 टर्न्स है, 14 नंबर का तार है इसमें एल्युमिनियम का। और उसके बाद में देख रहे हैं आप 145 वोल्ट के लिए लपेटा गया है, 237 टर्न्स है, ये दूसरा लूप है। उसके बाद हम लोग तीसरा लूप में चलते हैं। और उसके बाद में फिर तीसरा वाइंडिंग जो देख रहे हैं उसका लूप जो है 169 वोल्ट के लिए 284 टर्न्स लेपटा गया है। और उसके बाद में देखिए 200 वोल्ट के लिए 336 टर्न्स लेपटा गया है इसमें। तो ये कंपनी का वाइंडिंग है,
ये हम लोग टर्न्स करके निकाले हैं इसमें। और दोस्तों अब चलते हैं हम लोग ये कोर एरिया जो है कोर पे, वो कोर कैसे करके ये कैलकुलेशन किया गया है इसका। दोस्तों आप देख रहे हैं आप, ये रिंग ट्रांसफार्मर है जो भी हम लोग टोरॉइडल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसके बीच के जो होल है वो 3.75 इंच है, और यहाँ पर जो देख रहे हैं राउंड में जो है ऊपर में उसकी जो कि लंबाई है वो है 1.75 इंच, और उसकी जो नीचे की चौड़ाई है वो है 2.75 इंच। तो दोस्तों इसकी लंबाई चौड़ाई ये है। आई होप दोस्तों मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आए मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।